इन फ्यूचर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, और अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो आना ही बनता है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दबदबा अभी भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। सर्जरी से लेकर क्लर्क तक के काम आर्टिफिशियल रोबोट करने लगा है। सबसे खास बात तो ये है कि इनका इस्तेमाल अब नौकरी के लिए लोगों के इंटरव्यू में काफ़ी हद तक होने लगा है। जी हाँ, इनकी खासियत ये है कि इंटरव्यू के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और सही लोगों को, काबिल लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ह्यूमन एचआर मैनेजर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस तरह वरदान साबित हो रहा है। बता दें कि हैगरैंक 2018 की टेक रिक्रूटमेंट रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पक्षपात को 9% तक कम कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा चैटबॉट आसानी से बातचीत कर लेते हैं, ऐसे में मानव संस्थान विभाग का समय बचता है। चैटबॉट किसी उम्मीदवार से बातचीत का 18% काम खुद ही कर सकता है। स्क्रीनिंग में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 18% मदद करने लगे हैं। साथ ही लोग अपने काम में कितने ज्यादा कुशल हैं और इसका AI 19% तक सटीक अनुमान लगा सकता है। और इसके अलावा कंपनी की जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की प्रोफाइल को ढूंढने में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 41% तक मदद करते हैं और सही रिप्रेजेंटेटिव की प्रोफाइल निकालते हैं और उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।